चलता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। खबर उन्नाव से है। उन्नाव के कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने पहुंचे सपा और बसपा के प्रत्याशियों ने आज पर्चा दाखिल किया। सपा के पूर्व विधायक उदय राज पुरबा और बीएसपी से राजेंद्र गौतम विधानसभा शफीपुर से चुनाव के लिए आज नामांकन कराने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। पूर्व सपा विधायक उदय राज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बोले, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में चाहे वो किसान हो, उनको धोखा देने का काम किया गया। उनको नारा दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाएंगे तो किसान की उपज को 25% आय कम कराने का काम करेगी, बल्कि 50% बढ़ाने का काम किया है। विधानसभा बसपा प्रत्याशी शफीपुर राजेंद्र गौतम ने मीडिया से रूबरू होते हुए बोले, मुझे जनता ने चुना है। शफीपुर विधानसभा में शिक्षा, अस्पताल, सफाई जैसी कई समस्याएं हैं जिनसे सबसे पहले निजात दिलाएंगे। वहां के रहे हैं जो भी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो गांव की रोडें हों, सब वैसे वैसे जर्जर पड़ी हुई है। इन सब मुद्दे को लेकर मैंने क्षेत्र में जो है पब्लिक में मुझे आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं क्षेत्र में जो है राजनीति में आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले के चुनाव में जब रामबरन प्रत्याशी थे बसपा से तो सेकंड नंबर पर थे, तो क्या लगता है युवा चेहरे के ऊपर जनता कितना भरोसा करेगी और कितने वोटों से आप विजयी होंगे या क्या पोजीशन रहेगी आपकी? जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है परिवर्तन का वहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से दोनों का बराबर का विरोध है। और रही बात बसपा, हमेशा वहाँ सेकंड नंबर पर रही है। जहाँ पे हम लोग डिफीट खाते थे, जहाँ पे हम लोग कमज़ोर होते थे, आज वहाँ पर हम पूरी तरीके से मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में चाहे वो किसान हो, उनको धोखा देने का काम किया गया कि नारा दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत बनाएंगे तो किसानों की उपज का मूल्य दुगना करने का काम करेंगे। 5 साल में किसानों की उपज का मूल्य 25% से लेकर के 50% तक कम करने का काम किया, बढ़ाने का काम नहीं किया। और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे गरीबों को मिलने वाला मिट्टी का तेल और चीनी रही हो, उन सारी चीज़ों के दाम बढ़ाने का काम, और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाया, कुछ चीज़ों के दाम 40-50%, और कुछ के गैस के तो दाम तो करीब 70-75% बढ़ाने का काम किया। तो आज जनता उन सारे सवालों का जो झूठ बोलने वाले हैं उनको सबक सिखाने जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।